मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। जैसा कि शो लाइन अरेबियंस पर हम मौजूद हैं और उनके स्टड फार्म के घोड़े जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो पिछले दो प्रोग्राम्स थे उनमें हमने आपको इनका स्टेबल दिखाया और स्टेबल में कौन कौन सी ख़ास बातों का ख्याल रखा गया वो तमाम बातें डिस्कस की। और आज का ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपको अरेबियन मेयर्स दिखाई थी और आज हम आपको अरेबियन स्टालियन जो यहाँ पर खड़े हैं वो दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्टालियन है नाज़रीन, उसकी ख़ास बात ये है कि 2021 का वर्ल्ड चैम्पियन रहने वाला शायद उसका ये बच्चा है और कमाल का खूबसूरत स्टालियन है और कमाल की पेडिग्री है और वो तमाम चीज़ें जो एक अरेबियन घोड़े में होनी चाहिए वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। आए चलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसका नाम फाखिर है, इसका जो पेडिग्री नेम है वही हमने भी इसका नाम फाखिर ही रखा हुआ है। ये बेसिकली ई एस हरीर का फर्स्ट सन है। ई एस हरीर वो स्टैलियन है जो आपके 2021 का वर्ल्ड चैंपियन है, जिसने गोल्ड चैंपियनशिप जीती है। ये उसका फर्स्ट सन है और जिस तरह वो खूबसूरत है उसी तरह माशाल्लाह ये खूबसूरत भी है और हाइटेड भी है। हाइटेड भी है, बहुत खूबसूरत भी है। और अभी हमने इससे आगे ब्रीड भी अपनी ही मेयर्स कवर करवाना शुरू करती हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आप इसको कवर करवा रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि अभी इसकी एज, अभी ये चैलेंज कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अभी ये मतलब पूरे 3 साल का हुआ है। अच्छा, तो हमारे पास और भी अरब स्टैलियंस हैं लेकिन सबसे कह लें कि खूबसूरत, आप कह लें कि जीनो टाइप और फिनो टाइप दोनों में बहुत कमाल की चीज़ कमाल की चीज़ है। इस कलर को क्या कहते हैं, कलर का नाम? ये कलर बेसिक जो इसका कलर है वो ब्राउन ही है। अच्छा। लाइट ब्राउन ही है। अभी ये शेड चेंज कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चा चेंज करता रहता है। ये हमारे पास आज से 1.5 साल पहले जब आया था तो ये डिफरेंट कलर का था। अच्छा। अभी ये टाइम के साथ साथ कलर चेंज करता जाएगा और ये लाइट ब्राउन टाइप ग्रेश टाइप होगा। अच्छा, ये कुमैल भाई कितनी एज तक जो अरेबियंस हैं वो अपने कलर को फिक्स कर लेते हैं, कितनी एज के बाद? एहसन भाई ये तकरीबन 4 से 5 साल तक अपना एक मैच्योर कलर निकाल लेते हैं। 3 से 4 साल बाद? जी, 3 से 4 साल बाद इनका एक मैच्योर कलर जो होता है वो फिक्स हो जाता है। एग्जैक्टली, वो आ जाता है। फिर देन उस कलर में भी वेरिएशंस आती हैं विंटर्स और समर्स के। अच्छा, जैसे ही सर्दियां आती हैं कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, गर्मियां आती हैं कलर थोड़े लाइट हो जाते हैं। क्या बात है नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह से कमाल का स्टालियन है। पहले भी हमने आपको बहुत से अरेबियंस दिखाए हैं, टीएम फार्म्स पे भी हमने नाज़रीन आपको अरेबियंस दिखाए हैं और शानी खान के पास भी अरेबियंस मौजूद थे। और लेकिन हर घोड़े की अपनी अपनी खासियत है। शो लाइन अरेबियंस पे आज जहाँ हम मौजूद हैं, ये जो स्टालियन आप मेरे अकब में देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई जो आप कह सकते हैं कि अच्छी ब्लड लाइन और अच्छे स्ट्रक्चर का ये स्टालियन है और इसके ब्रीड्स वो ले रहे हैं अभी और कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद बरसों में ये पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी अच्छे हॉर्स शो हैं उनमें इसको शो करवाया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक जो पाकिस्तान में 1 से 2 शो हुए उनमें इस घोड़े को ले जाया गया? बिल्कुल, फाखर ने पार्टिसिपेट किया था अभी रिसेंटली। हमारी एसोसिएशन ने रेंजर्स के पास एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें अरब हॉर्सेस फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट हुए थे और उसमें ये भी गया था। इसी तरह के बहुत और भी खूबसूरत अरब्स आए हुए थे। अच्छा। और इन फ्यूचर भी हमारा प्लान है कि पाकिस्तान में इस तरह इसको शौक कराए जाएँ, लोगों को नॉलेज दिया जाए, लोगों का, जिससे लोगों का शौक बढ़ता है। इस तरह शौक तो बढ़ता ही है। शोज़ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आपके हॉर्सेस की ग्रूमिंग बढ़ जाती है, लोगों को ग्रूमिंग करने का शौक चढ़ जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि हमने बहुत से स्टड फार्म्स दिखाए हैं, बहुत से लोगों की कॉल आती हैं, बैरून मुल्क से भी लोगों की कॉल आती हैं जो पाकिस्तानी हमारे बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, तो हमसे आइडियाज़ भी लेते रहते हैं और
वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो यही देते हैं कि हमें एक आइडिया मिलता है कि जब प्रोग्राम हम आपका देखते हैं तो चूंकि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जो स्टड फार्म्स हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि आज हम इस फार्म पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी सेटअप जो है घोड़ों के लिए बनाया गया है, बहुत ही कमाल का सेटअप है। और अगर ब्रीड्स की बात की जाए नाज़रीन, तो ब्रीड्स इंतहाई कमाल की और टॉप ब्लड लाइन की जो ब्रीड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस स्टालियन के बारे में जैसे कि भाई बता रहे हैं कि ये जो स्टालियन है ये दुनिया का जो 2021 का जो चैम्पियन घोड़ा है उसका ये बच्चा है, और अभी इसकी एज 3 साल है। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि जो पहले मैंने प्रोग्राम किए हैं अरेबियंस पे, उन तमाम घोड़ों में से ये जो घोड़ा है ये उन तमाम में से हाइटेड भी है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई खूबसूरत भी है। ट्रॉटिंग पे ये अपनी चाल चारों पांव की चाल, हाइंड लेग्स और फोर लेग्स दोनों की, देन टेल, देन अपनी नेक को बिल्कुल स्वान शेप में कर देते हैं, तो ये एक बड़ी खूबसूरती लगती है। और वो बड़ा कह लें कि अपने रोब में चलता है, अपने एटीट्यूड में चलता है। क्या बात है, बिल्कुल नाज़िर, ये अरेबियंस की खसूसियत है कि जब ये ट्रॉटिंग करते हैं तो अक्सर जो है वो नेज़ाबाजी में अब लोग इसको यूज़ करना शुरू हो गए हैं, प्योर जो घोड़े हैं उनको तो नहीं, लेकिन उसकी जो मिक्स कर रहे हैं ऐसे कि मैं भाई अरब्स जो हैं आपके, ये कह लें कि इन शॉर्ट ऑलराउंडर्स होते हैं ये, माशाल्लाह क्लाइमेट ऐसी बड़ी जल्दी होते हैं, ये आपके हर मौसम में एडजस्ट भी हो जाते हैं, देन ये आपकी हर गेम में यूज़ हो जाते हैं, आपकी शो जंपिंग है, आपकी टेंट पैगिंग है, आपकी आर्चरी है, कोई भी गेम है, आपको अरब जो है ये आपको हर गेम में आपका कंपेनियन होता है। अरब्स का जिस तरह मैंने आपको कहा था, जिस तरह हमारे टिपिकल देसी घोड़ों की तरह ही इनकी हाइट रेंज होती है, लेकिन अरब्स में जो अच्छी हाइट के उठते हैं 63, 62, 61, अच्छा मोर देन 60 इंचेस। मैं अगर इंचेस में बताऊँ तो, क्योंकि हैंड्स में कई लोगों को नहीं पता होता कितने हैंड्स का होता है, तो वैसे हमारा जो हॉर्सेस का मेयरिंग स्केल होता है उसमें एक हैंड जो होता है वो नियर टू 4 इंचेस के होता है, 4 फिंगर्स के इक्वल होता है एक हैंड जो होता है। तो अरब में जो है इसमें 60 बव जितनी भी हाइट्स हैं वो बड़ी अच्छी कंसीडर्स होती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे देसी में भी 60 बव जितनी हाइट्स हैं वो एक अच्छी हाइट में कंसीडर होती है। तो आप ये देख सकते हैं फाखिर अभी अभी इसकी एज मतलब इतनी वो कह लेंगे 5 साल या 4 साल को नहीं पहुँचा, अभी वो क्या अभी इसकी हाइट मजीद थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, तो अभी ये माशाल्लाह अभी ये 62-63 है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है नाज़रीन। और इसकी कुमैल भाई ये बताएं कि डिशमाउथ के हवाले से ये किस कैटेगरी में फाल कर रहा है अभी? आप इसकी वो खुद जज कर सकते हैं, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शरीर इसका जो सायर, इसका जो बाप है, देन ये खुद इटसेल्फ, आप इसका फोरहेड की ब्रॉडनेस, इसके नॉस्ट्रल्स, देन इसकी डिश खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कितनी खूबसूरत है। ऐसी है। और बिल्कुल नाज़िन, जब अरेबियंस घोड़ों की बात आती है तो जैसे कुमैल भाई हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनके नथने जो हैं अरेबियन घोड़ों के चौड़े होते हैं, माथा चौड़ा होता है, आँखें बड़ी बड़ी होती हैं और डिश माउथ होता है, और ज्यादा भी कर्व नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्यों कुमार भाई इस बारे में? इसमें अगर आप फेस की बात करें, इसके चिन्स भी कंसीडर होते हैं, इसकी आईज भी जरा बल्जिंग होनी चाहिए और सर्कल्स में बल्जिंग आईज होनी चाहिए, देन इसके नॉस्ट्रल्स भी इन फ्रंट होने चाहिए और बड़े होने चाहिए। तो इसके जो इसके आपके माउथ के फीचर्स हैं वो 4-5 होते हैं, इसके लिप्स, इसके नॉस्ट्रल्स, इसकी आईज, इसका फोरहेड, इसकी डिश, देन इसके इवन के चिन्स भी काउंट होते हैं। ठीक, चिन्स भी बड़े शार्प होने चाहिए, मतलब उसका फीचर नज़र आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जो मतलब कि आप केयर के हवाले से किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं डेली बेसिस पे? अरब हमारे पास जो हमारी रूटीन है वो हम मॉर्निंग टाइम एक टाइम इनका मसाज होता है। अच्छा, फीडिंग मसाज, उसको हम खरखरा और ब्रश कहते हैं, देन इसको एक दफ़ा नहलाया जाता है दिन में, देन फीडिंग के बाद इसको फिर रेस्ट किया जाता है, फिर इसकी वर्किंग जो होती है डे टाइम, फिर इसकी वर्किंग एक होती है इवनिंग टाइम, इसी तरह इसकी इवनिंग टाइम की वर्किंग के बाद भी इसका अगेन मसाज होता है। हमारे पास यहाँ हर मेयर हर स्टैलियन का 2 टाइम, अब मतलब आप कह लेंगे ट्वाइस अ डे मसाज लाजमी होता है, उससे इनकी स्किन शाइन भी करती है, इनके मसल ग्रोथ भी करते हैं। अच्छा, इसकी मतलब कि राइडिंग के लिए भी अभी यूज़ कर रहे हैं या? अभी हमने फाखिर को राइडिंग की तरफ नहीं लेके गए, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ हम इसको राइडिंग पे भी ले, अभी हमने इसको शोज पे भी ऑन हल्टर शो करवाया। ठीक है, जस्ट हल्टर्स के साथ शो करवाया, अभी हमने इसको ऑन राइडिंग किया, तो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ हम इसको राइड पे भी लेकर आएंगे। अच्छा, अरेबियन जो हॉर्सेज हैं उनमें सबसे जो यूनिक और कीमती कलर है वो कौन सा है?
ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन अगर आप मेरे से वर्थ वाइज पूछें, वैसे तो हर घोड़ा ही खूबसूरत है माशाल्लाह, हर अरबी घोड़ा ही खूबसूरत है, हर अरबी घोड़ा और ओवरऑल सारे घोड़े खूबसूरत होते हैं। तो अगर आप कलर की बात की जाए, जिस जो ज्यादा वर्थेबल है, ज्यादा वैल्यूएबल है, वो इसमें ब्लैक जो होता है, जी ब्लैक, जो जेट ब्लैक कलर होते हैं, वो इसमें हमारे पास उसमें भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन में से प्रीमियस का उसमें हमारे पास है कोल्ट है, हम अभी आपको दिखाते हैं उसके, हमारे पास प्रीमियस के दो कोल्ट हैं और वो माशाल्लाह दोनों ही एक से बढ़ के एक है। अभी हम आपको ये दिखाते हैं उसके बाद। जी तो नाज़रीन, आपने ये शाहकार देख लिया, अभी हम आपको जो नेक्स्ट प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें अरेबियन घोड़ों में जो सबसे ज़्यादा वर्थ वाइज जो कीमती रंग है उसके दो घोड़े दिखाने जा रहे हैं, और वो भी जो शो लाइन अरेबियन स्टड फार्म है वहाँ पर मौजूद है। तो आज के इस प्रोग्राम का अख्तिताम कर रहे हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये तमाम लोगों तक पहुँच सके। खुदा हाफिज़।